अभी न बिहार में कोई चुनाव है, न विधानसभा है, न लोकसभा है, क्यों पानी में मछली या नन्ना कुटिया बकरा करने का क्या आवश्यकता है? वो तो उनका अपना मर्जी है, जहाँ जा सकते हैं वहाँ चले गए। हम एनडीए के हैं, रहेंगे एनडीए में। बिहार की राजनीति में आज एक खबर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। इसको लेकर जब सांसद वीना देवी से बातचीत किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इस खबरों को खारिज किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एनडीए के साथ है। पहले सुनिए कि वैशाली से सांसद वीना देवी क्या कुछ कह रही हैं। मोदी में नहीं जा रहे, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। मैडम, अभी जो नीतीश कुमार का स्टेप उठा है एनडीए से अलग होने का, उसको किस रूप में देख रहे हैं? वो तो उनका अपना मर्जी है, जहाँ जा सकते हैं वहाँ चले गए, उन पर किसका जोर है जो कौन रोक सकता है उनको। आज तिरंगा यात्रा हुआ, उसमें नहीं थे? तिरंगा यात्रा में आप देखिए ना, मैं अपने घर पर टांग रही थी, यात्रा में हम लोग के पार्टी बुलाया भी नहीं। यात्रा में लोग अभी नहीं खड़े ऐसे नहीं, तो अभी उसका सूचना हमको नहीं है। ऐसे अगर दोनों मंत्री में कंपैरिजन करना पड़े तो कौन से नेता अच्छे होंगे, मोदी और नीतीश जी में कंपैरिजन किया जाए? हम दोनों को कैसे आंकड़ा लगा सकते हैं कि दोनों में कौन अच्छे हैं? दोनों अच्छे हैं अपने अपने जगह पर। हम एनडीए के हैं, रहेंगे एनडीए में, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जो भी न्यूज़ चल रहा है, हमको बहुत सारे लोग भी फोन किए हैं, तो सब अपने मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। चंदन जी से भी बात हुआ है, केसर जी से बात हुआ है, सभी लोग दोनों पटना में हैं, हम अपने आवास मुजफ्फरपुर में। जदयू की तरफ से कोई संपर्क किया गया है क्या? नहीं, कोई संपर्क नहीं किया गया। आगे अगर संपर्क करते हैं संभावनाएं बनती है तो क्या? नहीं, अभी हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। अभी न बिहार में कोई चुनाव है, न विधानसभा है, न लोकसभा है, क्यों पानी में मछली या नन्ना कुटिया बकरा करने का क्या आवश्यकता है? हम जहाँ हैं, अच्छी सरकार है केंद्र के, हम उनके साथ हैं। बिहार में हमारी पार्टी के कोई एमएलए नहीं है, इसलिए हम बिहार में के सरकार में तो हम हैं ही नहीं, तो उनके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं? खबर जो चल रही अफवाह है क्या? ओ, खबर चल रही सरासरी अफवाह है। कहाँ से न्यूज लेके न्यूज वाले खबर चला रहे हैं, हम फेसबुक पर देख रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं। इसके लिए भी हम फोन किए थे अपने सांसद को, तो वो लोग कहा हम लोग भी नहीं दिए हैं न्यूज। केसर जी तो कुछ मीडिया से मिले हैं, वो बताए हैं, तो ऐसा कोई न्यूज नहीं हम लोग अभी साथ। तो आपने सुना वीना देवी को, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी पार्टी एकजुट है, इसमें कोई टूट होने वाली नहीं है और हम एनडीए के साथ ही हैं। उनका जो जवाब है वो साफ तौर पर सामने आ गया। बिहार की राजनीति में आज सुबह से ये खबर चल रही है कि जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है उसमें बड़ी टूट होने वाली है। 5 में से 3 सांसद जदयू यानी कि तेजस्वी और नीतीश के साथ जाने वाले हैं, महागठबंधन के साथ मिल जाएंगे। अगर ये खबर सही निकली तो इन तीनों सांसदों के ऊपर दल बदल कानून लग सकता है। किसी भी दल को टूटने के लिए 2/3 सदस्यों को आना जरूरी है। इस लिहाज से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में से 5 में से 4 सदस्य को टूटना होगा। ऐसे में जो खबर चल रही है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, तो इस पर वैशाली से सांसद वीणा देवी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो एनडीए के साथ है, किसी और पार्टी में वो नहीं जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।